So many pieces are back together now. What's your vision? नमस्कार दोस्तों, हिमाचल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है जनरल साइंस के में कुछ क्वेश्चन है जीव विज्ञान के। दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम है एचपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एसआई हो गया, टीजीटी, जेवीटी और जेओए, दोस्तों इन एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूं। इनमें से मैक्सिमम ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे छोटी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, इसको आप पूरी देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क क्या है? प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडा, दूध, घी आदि की क्वालिटी की गारंटी को जो मार्क, उसे मार्क कहते हैं, जो उसकी क्वालिटी को जो दर्शाता है उसको मार्क कहते हैं। शेयर करता रहता हूँ, आप इंस्टाग्राम हिमाचल स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? दोस्तों, जो बीन होता है, बीन्स, वो जो है फसल की जो नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? दोस्तों, पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मनुष्यों में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? दोस्तों, जो मादा पशुओं में जो जब बच्चे पैदा करते हैं तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा सक्रिय होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान वो है बरेली में। दोस्तों, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप वीडियो पूरी देखें, फॉरेस्ट गार्ड में अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? दोस्तों, आप इसको याद कर दीजिए, यह है रानीखेत। दोस्तों, रानीखेत एक उत्तराखंड में जगह का नाम भी है, आप उसे याद रख सकते हैं कि मुर्गियों की जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो है रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा पशु जो भारत में वो होता है उत्तर प्रदेश में, आप इसको याद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, वो है रेंडिएटर, इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? दोस्तों, वो होती है आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नली का उभरी रहती है, दुग्ध नली का टेढ़ी मेढ़ी होती है। दोस्तों, जो दुधारू गाय होती है उनकी पहचान ये होती है। कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? होते हैं 12 जोड़े। टोटल कितनी होती है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये दोस्तों कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, होता है अस्थि मज्जा में। दोस्तों, जो अस्थि मज्जा है यहाँ पे जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है, इसको इसका जन्म होता है, जो लाल रक्त होता है उसका होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वो होता है अपकेंद्रण। आप सभी ने वॉशिंग मशीन देखी होगी, उसका जो कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रण। नेक्स्ट है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, वो होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में एवं दूरी मिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठीय तनाव। दोस्तों, जो बूंद होती है, जो पानी की बूंद गोल होती है, उसका जो उसका कारण होता है वो होता है पृष्ठीय तनाव। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है, अल्फा कण में दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगातार बराबर होता है -360। दोस्तों, इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन है, इसमें मैंने फॉरेस्ट गार्ड के ही मोटिव से बनाया है ये, इसमें कुछ जीव विज्ञान के है, कुछ अदर के भी है, मैं इसमें मिक्स करके बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव सिद्धांत क्लोस्ट्रीडियम वेटुनियस द्वारा, सॉरी वेटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? वो है बीन। दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया था कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के, दोस्तों नाइट्रोजन पैदा कौन सी फसल से होता है? वो बीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं का के द्वारा होती है? वो होती है कुष्ठ। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? दोस्तों वृक्षों की जो छाल पर उगने वाले कवक है उसको कहते हैं कार्टिकोल्स। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना। यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे को आप कमेंट ज़रूर करें कि मेरे को ऐसी वीडियो और लाए। दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए, जो मेन मोटिव है इसका फॉरेस्ट गार्ड का है। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।